हेलो, वी आर लाइव नाउ। वेलकम टू SIS ऑनलाइन क्लासेस। आई एम अंकित भट्ट एंड आई एम गोइंग टू स्टार्ट 5.3। ओके स्टूडेंट्स, ग्रेटर स्मॉलर कंपेयर सारे क्वेश्चंस हो चुके थे और अरेंज इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर और वर्ड प्रॉब्लम्स आज स्टार्ट करते हैं। ओके सो एक्सरसाइज नंबर 5.3। ओके क्वेश्चन नंबर ई, अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर 4/13, 7/13, 5/13 एंड 8/13। ओके सो देखिए डिनोमिनेटर सेम है। ओके डिनोमिनेटर इज सेम इन ऑल दी टर्म्स, सो डायरेक्टली राइट द असेंडिंग ऑर्डर। सो वॉट इज दैट असेंडिंग ऑर्डर? असेंडिंग ऑर्डर मीन्स स्मॉलर टू ग्रेटर, स्मॉलर टू ग्रेटर। सो वॉट इज द स्मॉलेस्ट न्यूमरेटर? 4। सो फर्स्ट इज 4/13, नेक्स्ट इज 5/13, नेक्स्ट इज 7/13 एंड लास्ट इज 8/13। इट इज द असेंडिंग ऑर्डर ऑफ द नंबर्स। ओके एंड क्वेश्चन नंबर 2 इज इलेवन अपॉन 15, 7/15, 9/15, 10/15। ओके इसमें भी डिनोमिनेटर सेम है तो ये मैं नहीं बताऊंगा, ये तो आपका होमवर्क हो गया। ठीक है सो डिफरेंट डिनोमिनेटर 3 वाला एक बताते हैं आपको। 7/6, 7/9, 7/13 एंड 7/11। ओके सो डिनोमिनेटर का एलसीएम लेंगे, एलसीएम ऑफ 6, 9, 13 एंड 11 इज इक्वल्स टू 6, 9, 13, 11 का एलसीएम लेंगे। 2 3 9, 13 एंड 11, 3 1 3 3 13 एंड 11, 3 1 13 एंड 11, 11 1 and 13 1. ओके सो एलसीएम इज 2 × 2 × 3 × 3 × 11 × 13। ओके सो 2 3 6 3 18, 18 11 11 8 19 × 13 13 8 13 8 I think 104 13 8 10 117 and 13 1 13 12 15 25 sorry so final answer is 2 5 7 4। ओके देखिए यहाँ थोड़ा सा आपके सर माफ़ी मांगेंगे क्योंकि उन्होंने थोड़ा सा देखने में गलती हो गई कि न्यूमरेटर इस कंडीशन में देखिए सेम है। ठीक है, ऊपर वाली कंडीशन में डिनोमिनेटर सेम था, नीचे वाली कंडीशन में न्यूमरेटर सेम है, तो आपको एलसीएम लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। एक छोटा सा फॉर्मूला होता है, ग्रेटर द डिनोमिनेटर स्मॉलर द नंबर। ग्रेटर द डिनोमिनेटर, GREATER, ग्रेटर द डिनोमिनेटर नेटर स्मॉलर द नंबर, ग्रेटर द डिनोमिनेटर स्मॉलर द नंबर। ओके सो असेंडिंग ऑर्डर
असेंडिंग ऑर्डर इज, सबसे स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा होगा, सबसे ग्रेटेस्ट जो हमारा है डिनोमिनेटर, सॉरी न्यूमरेटर वो क्या है, सॉरी क्या बोल रहे हैं, डिनोमिनेटर, ग्रेटेस्ट डिनोमिनेटर इज 13, सो स्मॉलेस्ट नंबर इज 7/13, ग्रेटेस्ट द ग्रेटर द डिनोमिनेटर स्मॉलर द नंबर, सो हाईएस्ट डिनोमिनेटर इज 13, सो स्मॉलेस्ट नंबर इज 7/13, नेक्स्ट स्मॉलर 7/11, नेक्स्ट स्मॉलर 7/9, एंड लास्ट इज द बिगेस्ट नंबर ऑफ दीज, सो 7/6, ओके, सो आई थिंक समझ में आ गई होगी इतनी बात सभी को, कोई बहुत बड़ा टॉपिक नहीं है, और सिक्स अपॉन फाइव, सेवन अपॉन टेन, टू बाई थ्री, फोर बाई सिक्स, ओके, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर ठीक है, कोई भी सेम ना हो इस कंडीशंस में, सिक्स बाई फाइव, सेवन बाई टेन, टू बाई थ्री, फोर बाई सिक्स, देखिए ऑल डिनोमिनेटर्स भी डिफरेंट हैं, ऑल न्यूमरेटर्स भी डिफरेंट हैं, ओके, तो इस कंडीशंस में क्या करेंगे, अब एलसीएम लेते हैं, जब न्यूमरेटर या ना न्यूमरेटर सेम हो ना डिनोमिनेटर सेम हो, और हमको ग्रेटर और स्मॉलर बताना हो, असेंडिंग डिसेंडिंग, ओके, तो एलसीएम इज 5, 10, 3 एंड 6 इज इक्वल्स टू 5, 10, 3, 6 का लेंगे, इसमें देखिए इतना बड़ा नहीं आएगा, 2, 5 जा, 5 जा, 3 एंड 3, 5, 5, 1, 1, सो एलसीएम इज 2 इंटू 3 इंटू 5, 2, 3 जा 6, 5 जा 30, ओके, सो मेक दी 13, 30 इन ईच ऑफ द फ्रैक्शन, ओके, सो 6 बाई 5, 30 मेक करना तो 6 का मल्टीप्लाई होगा, 7 अपॉन 10, 30 मेक करना 3 का मल्टीप्लाई होगा, 2 बाई 3, 30 मेक करना है 10 का मल्टीप्लाई होगा, एंड 4 बाई 6, 30 मेक करना है 5 का मल्टीप्लाई होगा, ओके, सो फर्स्ट इज 36 अपॉन 30, एंड नेक्स्ट इज 21 अपॉन 30, 20 अपॉन 30, एंड 20 अपॉन 30, ये कुछ सेम हो गए, ये क्या मतलब है, ये तो दोनों इक्वल हैं, तो असेंडिंग ऑर्डर ऐसे बता लीजिए, देखिए दोनों सेम नंबर्स हैं, असेंडिंग ऑर्डर इज, तो इन दोनों को चाहे आगे पीछे किसी भी सीरीज में रख लीजिएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ओके, तो असेंडिंग ऑर्डर मीन्स स्मॉलेस्ट न्यूमरेटर इज 20 अपॉन 30, लास्ट इज 21 अपॉन 30, एंड फाइनल लास्ट इज 36 अपॉन 30, सो असेंडिंग ऑर्डर इज 20 अपॉन 30 मीन्स 4/6, 2/3 एंड नेक्स्ट इज 21 अपॉन 30 मीन्स 7/10 एंड लास्ट इज 6/5, ओके, सो आई थिंक समझ में आ गया होगा, सेम प्रोसेस डिसेंडिंग ऑर्डर का एफ नंबर क्वेश्चंस में है, कोई बहुत बड़ी डिफिकल्टीज नहीं है, जैसे इसमें सॉल्व किया वैसे उसमें सॉल्व करेंगे, ओके, अब जैसे एफ क्वेश्चन नंबर एफ है, सेम डिनोमिनेटर की कंडीशंस, सेम डिनोमिनेटर की कंडीशंस, तो सेम डिनोमिनेटर कंडीशंस में डिसेंडिंग ऑर्डर इज, डिसेंडिंग मींस ग्रेटर टू
स्मॉलर, ग्रेटर टू स्मॉलर, सो ग्रेटर हाईएस्ट ग्रेटर न्यूमरेटर न्यूमरेटर इज 21/17, 15/17, 12/17 एंड लास्ट इज 10/17, ओके। एंड व्हेन द न्यूमरेटर इज सेम एंड डिनोमिनेटर इज डिफरेंट, न्यूमरेटर इज सेम डिनोमिनेटर इज डिफरेंट का कंडीशन एक देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, न्यूमरेटर इज सेम एंड डिनोमिनेटर इज डिफरेंट, सो डिसेंडिंग ऑर्डर इज ग्रेटर द डिनोमिनेटर स्मॉलर द नंबर, सो स्मॉलर द डिनोमिनेटर ग्रेटर द नंबर, ओके। सो 11/10 इज द हाईएस्ट नंबर, नेक्स्ट इज 11/15, नेक्स्ट इज 11/25 एंड नेक्स्ट इज 11/30, ओके। सो आई थिंक इतनी बात सभी को समझ में आ रही होगी। एक कंडीशन और देख लीजिए, व्हेन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बोथ आर डिफरेंट, तो बिल्कुल सेम एज प्रोसेस वैसे ही लगेगा और वीडियो भी कुछ ज़्यादा लॉन्ग हो रहा है। सो बाय, टेक केयर, नहीं समझ में आएगा नेक्स्ट क्लास में डिस्कस कर लेंगे, ओके।